अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज एमके, जिसमें आपको मेडिसिन के हवाले से गाइड किया जाता है। तो आज भी हम एक मेडिसिन का रिव्यू करेंगे। तो उससे पहले जो भाई चैनल पर न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। तो जो हमारी आज की वीडियो है वो है एटीनोलोल। एटीनोलोल मेडिसिन के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, ये क्या है, इसकी ट्रेड नेम क्या है, इसकी डोजेज क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके कंट्राइंडिकेशन और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। एटीनोलोल ये मेडिसिन का जेनरिक नेम, तो ये इसकी फार्मूलेशन है एटीनोलोल। तो इसके जो ट्रेड नेम हैं, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल सकती है, ये मेडिसिन आपको ब्लोकियम, जेफनॉल, कार्डियोलाइट, एटीनोलोल, नॉर्मिटैब, ATN-50 और टोटामोल। तो ये इसके कुछ ट्रेड नेम हैं जो आपको किसी भी फार्मेसी से आसानी मिल जाएगी। याद रखिएगा, किसी भी मेडिसिन का जो ट्रेड नेम है अपने मुल्क के हिसाब से चेंज होता है। तो हर मुल्क में जो इसका ट्रेड नेम है वो चेंज होता है, लेकिन जो जेनरिक नेम है वो हमेशा सेम है पूरी दुनिया में। तो उसके बाद हम देखेंगे अगर इसकी डोजेज, तो इसकी डोजेज क्या है अडल्ट के अंदर, यानी बड़ों के अंदर एटीनोलोल कितनी मकदार में दी जाती है। तो ये 50 और 100 mg डेली दी जाती है, दिन में एक या दो मरतबा। तो इस हिसाब से इसकी डोज को हम कंपेयर करते हैं। इसके अलावा पॉसिबल जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, यानी इस मेडिसिन को जो एटीनोलोल हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये ओरल टैब्स है, इसको हमेशा हम मुँह के रास्ते इस्तेमाल करवाते हैं। तो उसके अलावा अगर हम अब वीडियो में जाने इसके यूजेस, तो ये जो मेडिसिन है एटीनोलोल, इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एंजाइना पेक्टोरिस, परफॉर्मेंस एंजाइटी, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स, इसोफेगियल वायरसेस विथ सिरोसिस। यानी इस मेडिसिन को जो सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है एंजाइना पेक्टोरिस, यानी जिसको हम चेस्ट पेन भी कहते हैं, सीने में दर्द होता है, जिसको दिल का दौरा भी कहते हैं, बेचैनी की सूरत में भी इस्तेमाल करते हैं, हार्ट अटैक की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, किसी को शराब से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हों तो उनसे हम करते हैं। तो ये इसके कुछ थे यूजेस। अब हम आगे वीडियो में जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के, इस जो मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं एटीनोलोल के। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे गए इस मेडिसिन के, वो मदरजा झेल हैं, डिप्रेशंस, ड्राउजीनेस, ड्राई बर्निंग आइज, लिथार्जी, कोल एक्सट्रीमिटीज, सेक्सुअल डिसफंक्शंस, एलोपेशिया, प्रूराइटिस। यानी बेचैनी हो जाती है, गनूदगी, आंखों का जलना, उसके अलावा टेम्परेचर का बढ़ना, सेक्सुअल डिसफंक्शंस मतलब आपके अंदर जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनमें कमी होना, एलोपेशिया, बालों का झड़ना, गिर जाना। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कॉमनली देखे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ मुझे कि मेरी ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बसानी आप तक पहुँच जाएगी।